नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपंकर भट्टाचार्य जी, आपका दोस्त, आपका हम सफर। वंस अगेन वेलकम टू चैनल मेड इन इंडिया। अगरबत्ती बिजनेस कैसे करना चाहिए, अगरबत्ती बिजनेस कैसे करने से आपको अच्छा फायदा होगा, अगरबत्ती बिजनेस का क्राइटेरिया क्या है, अगरबत्ती बिजनेस के ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग, मशीन का गाइड, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आजकल यूट्यूब पे आ रहे हैं। और कुछ यूट्यूबर है जो आपको बहकावे में डाल रहे हैं और आपका ब्रेन वॉश करके आपको आपका जो जिंदगी का जो मोटो है वहां से आपको डाइवर्ट करके आपको एक अगरबत्ती का मशीन सेल कर देते हैं, आपको लालच दिखा के। आज उसी का लाइव प्रूफ दिखाएंगे। लाइव प्रूफ मतलब कोई वीडियो नहीं, एक कैलकुलेशन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। जो लोगों को बहकावे में डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हमारे साथ बिजनेस करो, आज मैंने जहां पे मशीन सेल किया है, कल मैंने वहां पे मशीन सेल किया है, बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करके अच्छा खासा मार्जिन कमा रहे हैं, वो लोग आपको जो झूठ बोल रहे हैं, आपको अपना आपका जिंदगी बर्बाद करने का रास्ता बना रहे हैं, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हम लोग अच्छे गाइड प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आज मैं एक कैलकुलेशन, अगरबत्ती बनाने का कैलकुलेशन आपके सामने मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे लाइव आपको दिखाऊंगा और उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। मेरा ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद इसको आप नोट डाउन भी करिएगा, आप खुद अपने आप से पूछिए। और जो लोग यूट्यूब पे ये बोल रहे हैं कि अच्छा खासा कमा सकते हो, रॉ अगरबत्ती बना के हमको दे दो, उनको पूछिए कि कैसे। और किसी में भी दम हो तो मेरा ये जो लॉजिक है, जो मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, उसको कार्टेल करिए, ठीक है। तो चलिए आपको खुलासा करते हैं, आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं कि रॉ अगरबत्ती बना के किसी से भी मशीन लेके अगर आप उसको बेच रहे हो, उसमें आपको फायदा नहीं है, उसमें आपको कोई फायदा नहीं है। उससे काफी अच्छा है आप जाके किसी प्राइवेट कंपनी पे जॉब करो। तो चलिए अगरबत्ती, रॉ अगरबत्ती का रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग और आप कितने में बेच रहे हो वो आप खुद ही देख लो। चलिए मैं आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता। ये देखिए दोस्तों, मैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं। अभी आपके सामने जहां पे मैंने एक चार्ट रखा है और इस चार्ट का नाम मैंने दिया है लाइव प्रूफ ऑफ अगरबत्ती मशीन सेलर स्कैम। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छे क्वालिटी के रॉ अगरबत्ती, ब्लैक रॉ अगरबत्ती बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, उसका परिमाण और उसका कॉस्टिंग क्या है, पहले हम उसको देखते हैं। ये जो चार्ट मैंने आपको सामने प्रेजेंट किया है, इसका जो फर्स्ट लाइन को आप लोग देखिए। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल लगता है वो है चारकोल। देखिए चारकोल, इससे अलग लोगों के अलग अलग फॉर्मुलेशंस होते हैं, लेकिन मैं जहां पे चारकोल ले रहा हूं 650 ग्राम, कोई 560 ले सकते हैं, कोई 600 ले सकते हैं, वट एवर इट मे बी, थोड़ा सा प्लस एंड माइनस होगा, लेकिन रिजल्ट यही आएगा कि देयर इज नो प्रॉफिट। अगर आप एक मशीन बिठा के जो मशीन सेल कर रहा हूं उसको अगर आप सेल कर भी देते हो तो आपको कोई फायदा नहीं है। उसका लाइव प्रूफ दे रहा हूं, देखते रहे। फर्स्ट लाइन देखिए, मेरा चार्ट पे फर्स्ट लाइन जो है उसको देखिए, चारकोल है 650 ग्राम। आज मार्केट में चारकोल का अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग, अच्छे क्वालिटी का चारकोल है, 14 रुपया पर केजी। तो 14 रुपया पर केजी के हिसाब से हमारा चारकोल का कॉस्टिंग आ जाता है 9 रुपया 10 पैसा। देखिए मैंने फर्स्ट लाइन पे लिख दिया है। सेकंड, अच्छे क्वालिटी के रो अगरबत्ती में हम लोग कुपम डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुपम डस्ट ले लिए,
कोपम डास थोड़ा कॉस्टली है, इसीलिए हमने इसको कम परिमाण में ही लिए हैं, सिर्फ 50 ग्राम डालते हैं। तो आज के डेट में कुपम डास का जो रेट है 45 रुपया से 55 रुपया के अंदर में अप एंड डाउन होता है, तो मैं हाईएस्ट जो है 55 रुपया को ही पकड़ता हूं। तो एट द रेट ऑफ 55 रुपीज पर केजी, 55 रुपया पर किलो के हिसाब से 50 ग्राम कुपम डास का कॉस्टिंग आता है 2 रुपया 75 पैसा। देखिए सेकेंड लाइन, नेक्स्ट आइटम थर्ड लाइन पे वुड डस्ट, वुड डस्ट का परिमाण हमने रखा है 200 ग्राम। सबसे अच्छे क्वालिटी का जो वुड डस्ट होता है अप्रोक्सीमेट प्राइस है 25 रुपया पर किलो, कभी कभार ये 22 रुपया में भी मिलता है लेकिन क्वालिटी उतना अच्छा नहीं रहता, 18 रुपये में भी मिल जाता है लेकिन वो बहुत मोटा होता है। अच्छे मेश का जो होता है वो आपका 25 रुपया पर केजी मान के चलिए। तो 25 रुपया पर किलो, 25 रुपीज पर किलो के हिसाब से 200 ग्राम वुड डस्ट का कॉस्टिंग आ जाता है 5 रुपया। ये थर्ड लाइन हो गया। फोर्थ लाइन जिकेट, जिकेट पाउडर हम लोग ले लेते हैं 100 ग्राम 100 ग्राम, उसका अप्रोक्सीमेट प्राइस ₹80 पर किलो, कभी कभार 75 भी होता है लेकिन 80 मैक्सिमम आ जाता है। तो 80 रुपया पर किलो के हिसाब से अगर हम लोग 100 ग्राम जिकेट पाउडर लेते हैं तो उसका कॉस्टिंग आ जाता है 8 रुपया ₹8। नेक्स्ट, सिर्फ जिकेट देने से मशीन पे अगरबत्ती बनाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा गुआर गम भी ऐड करना पड़ता है। तो थोड़ा परिमाण में हम 20 ग्राम गुआर गम ऐड करते हैं। एट प्रेजेंट गुआर गम का कॉस्टिंग आप लोग देख लीजिए ₹120 पर किलो, ₹120 पर किलो। तो 20 ग्राम गुआर गम का कॉस्टिंग आ जाता है ₹2.40। लास्ट में जो आइटम सबसे वाइटल है वो है बम्बू स्टिक, जिस स्टिक के ऊपर आप लोग अगरबत्ती तैयार करते हैं। तो आज के डेट में ये जो बम्बू स्टिक है, बम्बू स्टिक का जो प्राइस है वो हमेशा अप एंड डाउन करता रहता है। तो सिक्स्थ लाइन पे आप लोग देखिए, मैंने बम्बू स्टिक के बारे में लिखा है। बम्बू स्टिक का दाम जो है ₹110 से लेके ₹125-130 तक जाता है। एट प्रेजेंट आज के डेट में बम्बू स्टिक है ₹125 पर किलो, और ये बम्बू स्टिक 1 किलो मसाले में आप लोग खुद ही हिसाब कर लीजिएगा, जब आपको मशीन बेचा जाता है तो आपको बोला जाता है कि आपको 300 ग्राम बम्बू स्टिक लगेंगे, 350 ग्राम लगेंगे। नहीं दोस्तों, एक्चुअली बम्बू स्टिक आपको लगता है 420 ग्राम, 420 ग्राम बम्बू स्टिक आपको लगेगा। ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप जब 1 किलो मसाले अपने मशीन पे डाले हैं तो एक बम्बू स्टिक का बंडल वजन कर लीजिए, वहां से स्टिक को यूज करिए, मसाला खत्म होने के बाद जो बंडल है उसको वजन कीजिए, दोनों को माइनस करिए, आपको कैलकुलेशन पे आ जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली 420 से 430 ग्राम तक बम्बू स्टिक आपको लगता है 1 किलो मसाले में। तो 420 ग्राम बम्बू स्टिक का दाम एट द रेट ऑफ ₹125 पर किलो के हिसाब से, ₹125 पर किलो के हिसाब से आपका बम्बू स्टिक का कॉस्टिंग आ जाता है ₹52.50। ओके, अभी इस सबको हम टोटल करते हैं तो जहां पे हमारा टोटल वेट आता है 1440 ग्राम,
हमारा टोटल वेट आता है रॉ मटेरियल का, मसाले का, 1440 ग्राम। इसका कॉस्टिंग, इसको टोटल करके हमको आता है 79.75, 79.75 रुपया 75 पैसा। ओके, तो ये हमारा 1440 ग्राम, मतलब बंबू स्टिक को लेके 1440 ग्राम अगरबत्ती का कॉस्टिंग हमारा आ गया 79.75 रुपया, ₹79.75। तो अगर देखिए नीचे मैंने लिख के दिया है, कॉस्टिंग ऑफ 1 kg अगरबत्ती रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 79.75 डिवाइडेड बाई 1440 1440 मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का कॉस्टिंग आ जाता है ₹55.38। ओके, तो यही आपको समझाया जाता है, ठीक है, मान लिया। अभी आ जाता है आपका लेबर कॉस्ट, जो आप सोच रहे हैं कि मैं खुद लेके खुद काम करूंगा, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा रुक जाइए। तो अभी इसके साथ हम लेबर कॉस्ट ऐड करते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे जहां पे लेडीज लोग काम करती है, 150 रुपया पर डे मजदूरी देने से हमारा हो जाता है, कोई बोलता है 100 रुपया मजदूरी देने से हो जाता है, लेकिन आप खुद सोच के देखिए, एक लेबर, लेबर मतलब एक इंसान, उसका रोजी रोटी मिनिमम चलने के लिए पर डे उसको 300 से 350 रुपए का जरूरत डेफिनेटली होता है। तो उसके हिसाब से मैंने लेबर कॉस्ट पकड़ा है 12 रुपया पर किलो में। 12 रुपया मैंने क्यों पकड़ा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक आदमी मशीन पे आपका अगरबत्ती बनाएगा, एप्रोक्सीमेटली एक आदमी 40 किलो अगरबत्ती बना लेता है, मशीन पे चला लेता है। तो वो जो आदमी है उसका अगर लेबर चार्ज मैं 300 रुपया पकड़ता हूं, तो 300 को अगर हम 40 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो पर किलो आपका 8 रुपया करके आ जाता है, 320 रुपया अप्रोक्सीमेटली आता है। मैं 300 ही पकड़ के चलता हूं। आप खुद सोचिए, अगर आप कहीं पे काम करेंगे, अगर आपको दिन में 300 रुपया का मजदूरी ना मिलता हो, तो आप वहां पे काम करेंगे, आप सेटिस्फाई होंगे, नहीं होंगे। तो मैंने जहां पे 300 रुपया जो है उससे भी कम पकड़ा है, पकड़ के पर किलो के हिसाब से 6 रुपया लेबर कॉस्टिंग पकड़ा है। तो ये तो चला गया मशीन मैन का। अब एक आदमी अगर 40 किलो काठी तैयार करता है, तो उसके साथ और एक लेबर का जरूरत होगा जो मसाला को मिक्सिंग करेगा, मशीन से काठी निकालने के बाद उसको बिछा के देगा सूखने के लिए, ये सब काम करने के लिए और एक आदमी का जरूरत होगा, वहां पे और 6 रुपया आपका जाएगा। किसी को भी आप काम पे रखिए, मिनिमम 300 रुपया तो होता है, मैंने उससे कम पकड़ा है 240, तो उसके हिसाब से 40 किलो को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 रुपया प्लस 6 रुपया मतलब 12 रुपया आपका 1 किलो अगरबत्ती बनाने में आपका मजदूरी जाएगा। अभी आप सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं खुद ही बनाऊंगा, खुद ही सब कुछ करूंगा, नहीं आएगा 40 किलो नहीं आएगा, और आप करते करते बोर हो जाएंगे, और एक दिन आप खुद ही आपका मशीन को गंगा में बहा देंगे। ऐसे होता नहीं है। और खुद काम करके आप जो पैसा कमाएंगे उससे काफी अच्छा है आप किसी प्राइवेट कंपनी पे जाके जॉब करिए, वहां पे आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहां पे आप 65,000 70,000 75,000 रुपए इन्वेस्ट करके
जो पैसा आप कमा रहे हो उससे काफी ज्यादा पैसा आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के कंपनी पे दरवान का काम करेंगे ना, उसका गार्ड का काम करेंगे तो भी उससे ज्यादा पैसा आपको मिल जाएगा। तो आप क्यों करेंगे अगर आपको खुद करना है तो, मेरा सवाल ये है। चलिए हटाइए इसको, कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। तो ये हमारा लेबर कॉस्ट आ गया, मैंने लेबर कॉस्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। अप्रोक्सीमेटली पर किलो में पकड़ता हूं 50 पैसा, 0.50 50 पैसा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। नेक्स्ट और एक कॉस्टिंग है जो आपको मशीन बेचने के टाइम पे बताया नहीं जाता है, वो क्या है? आपका मशीन जब चलता है एक टन यानी कि 1000 किलो अगरबत्ती बनने के बाद आपका मशीन का रॉकेट डाई पिस्टन ये सब चेंज करना पड़ता है क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन होके उसमें खय होता है वो और चलता नहीं है, काठी निकालने का काबिल नहीं रहता, काठी बनाने का काबिल नहीं रहता है आपका पिस्टन। आपका रॉकेट जो है उसका माथा पे वो घिस जाता है, माथा डाई बड़ा हो जाता है, तब उसको चेंज करना पड़ता है। अब ये रॉकेट डाई और पिस्टन एक टन मतलब 1000 किलो करने के बाद जब आप चेंज करने जाएंगे तो आपको पिस्टन का कॉस्टिंग आएगा 1200 रुपए, मतलब 1.20 रुपया आपका चला गया पिस्टन के लिए पर किलो में। सोच के देखिए 1200 रुपया, तो 1.20 रुपया। नेक्स्ट है रॉकेट का दाम। आप जिससे मशीन खरीदे हो उससे अगर आप रॉकेट खरीदने जाते हैं तो वो 300 से 400 रुपया, कुछ लोग 500-600 रुपया ले लेते हैं, डाई का दाम भी उतना ही ले लेते हैं। तो इसके हिसाब से मैंने जहां पे और 2 रुपया पकड़ा है मशीन का डेप्रिसिएशन, रॉकेट डाई और पिस्टन का कॉस्टिंग पर किलो में, ये इसका मतलब ये इसका क्षमता जो है वो कम होता जाता है, उसका कॉस्टिंग है 2 रुपया पर किलो पे, ये कोई नहीं बताता। तो अगर इसको हम टोटल करते हैं तो हमारा आ जाता है 69 रुपीज, 69.88 मतलब 69.88 रुपया। लगभग 70 रुपया आपका कॉस्टिंग आ जाता है अगर आप लेबर रख के अच्छे क्वालिटी के अगरबत्ती बनाते हैं तो। आज मार्केट में अगरबत्ती का वैल्यू कितना है? अगर आप मार्केट में बेचते जाएंगे कोई आपसे आपसे 70 रुपया से ज्यादा पैसा नहीं देगा, 75 तो दूर की बात है, कुछ लोग है 65 में भी मांगेगा आपसे, क्योंकि मार्केट में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है उसका कारण अलग है। मैंने बहुत दिन पहले आपको बताया था कि रॉ अगरबत्ती अनसेंटेड अगरबत्ती अगर आपको बनाना है तो एक मशीन से काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बंबू स्टिक जो है वो आपका प्रॉफिट खा जाता है, आपका रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग इतना है कि वो आपका प्रॉफिट खा जाता है। जो लोग बड़े पैमाने पे कर सकते हैं 50 मशीन, 60 मशीन, 20 मशीन ऐसे करके कर सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत मार्जिन आता है। तो इसलिए आप जैसे छोटे छोटे पूंजी वाले जो बिजनेसमैन है जो काम करना चाहते हैं उसको उनको आना चाहिए सेंटेड अगरबत्ती के काम पे। मैं सच बोल रहा हूं कि या झूठ बोल रहा हूं आप अपने आप से पूछिए, कोई सेंटिमेंट लेके बिजनेस नहीं होता है, लॉजिक से होता है, प्रूफ। जैसे कोर्ट में केस चलता है ना सबूत और गवाह पे, वैसे लॉजिक पे ही बिजनेस चलता है कि मैं क्या करूंगा और क्यों करूंगा, खुद अपने आप से पूछिए। तो आपका अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग आ गया
70 रुपया, मैंने प्रूफ कर दिया। किसी में दम है तो मेरा ये जो लॉजिक है इसको कर्टेन करके दिखाइए, मैं अपना लॉजिक से उसको समझा दूंगा। मेरा फोन नंबर तो है ही, फोन कर सकते हैं एनी टाइम। तो ये हो गया आपका टोटल कॉस्टिंग। इसके अलावा भी और भी कॉस्टिंग है। कैसा कॉस्टिंग? हमारा जो पूरा साल है ना, कभी कभार पावर कट अप होते हैं, लेबर नहीं आते हैं, बारिश होता है, प्रोडक्शन नहीं होता है, उसमें वो भी एक कॉस्टिंग जुड़ता है जो दिखता नहीं है। लेबर कॉस्ट बेकार जाता है, तब वो लॉस भी कोई नहीं बताता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैंने नहीं पकड़ा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जहां पर इंक्लूड होगा जरा सोच के देखिए। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो बात यह है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग अच्छे से समझा देते हैं, हमसे मशीन ले लो फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको बताइए कि भाई हमको परफ्यूमिंग का ट्रेनिंग दीजिए। परफ्यूम का जो फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेशन तो लाखों हजारों मिल जाते हैं, लेकिन उसको अच्छे क्वालिटी के बनाने के लिए हमको कौन सा केमिकल मिलाना है और क्यों मिलाना है, जब वो एक्सप्लेन करने जाएगा ना, तो उनको दीपंकर भट्टाचार्य जी का जो वीडियो है उसको खोल के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लॉजिक है, मैंने समझाया है, वही उसको कॉपी करके वो लोग समझाएंगे आपको। सिर्फ दीपंकर भट्टाचार्य जी नहीं, और भी कुछ लोग हैं जो लॉजिक से समझाते हैं। तो उस लॉजिक को समझने के लिए ट्रेनिंग का जरूरत है। ट्रेनिंग ये नहीं कि मशीन कैसे चलाते हैं खटर 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 खटर, नहीं, परफ्यूमिंग को, परफ्यूम को कैसे डिजाइन करना है, कौन से केमिकल से परफ्यूम को सेट करना है, अगरबत्ती के मसाले में कौन सा रॉ मटेरियल देने से उसका क्वालिटी अच्छा होता है, रॉ अगरबत्ती बनाने के टाइम पे कौन सा केमिकल मिलाने से रॉ अगरबत्ती का क्वालिटी अच्छा होता है, ये सारे चीज जानना जरूरी है। और सबसे ज्यादा वाइटल जरूरी है, कम पूंजी वाले जो लोग एक मशीन बिठा के काम कर रहे हैं उनके लिए, कि परफ्यूम कैसे बनाते हैं। इसमें लाइनर मिला दो, बूस्टिंग हो जाएगा। बूस्टर क्या होता है हमारे पास मिलेगा, बोलते हैं कुछ लोग। मैं एक बात आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं, दुनिया में परफ्यूम के बहुत सारे किताब हैं। एक किताब मुझे दिखा दो, एक किताब मुझे दिखा दो जहां पे बूस्टर, बूस्टिंग ये वर्ड यूज किया गया है। परफ्यूमरी डिक्शनरी में बूस्टर नाम का कोई भी चीज नहीं होता है। बूस्टर नाम का कोई भी चीज परफ्यूमरी इंडस्ट्री में नहीं है। ये जो चीज है ना, ये लोगों के मतलब मुंह पे ऐसे फैल गया है, बूस्टर बूस्टर, अच्छा बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, ऐसा ही है और कुछ नहीं है। ये एक वहम है, बूस्टर कोई बूस्टर का जरूरत है। परफ्यूम को, परफ्यूम का स्ट्रक्चर, परफ्यूम का डिजाइन को जानना है, वही अगरबत्ती का मेन काम है। मशीन तो एक, आप किसी भी आदमी को आप बिठा दीजिए मशीन पे, वो एक बच्चे को भी बिठा दीजिए, एक हफ्ता काम करेगा तो सीख जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग ये दिखाते। और एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ कंपनियां है, जैसे मैं नाम ही बता देता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि ये गणपति एंटरप्राइज नाम का ऐसे कंपनी है बंगाल अगरबत्ती करके, विद्युत चक्रवर्ती नाम का एक आदमी बोलता रहता है कि आप आइए, आप लोग कैसे काम करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, दिशा दिखाएंगे। बंगाल में ही ऐसे चलता है, ठीक है, ये सब बांग्लादेशी टाइप के लोग ऐसे आके ना, ये सब के सब बांग्लादेशी है, वट एवर इट मे बी, छोड़िए हटाइए। तो ये बोलता है कि आपको सही ट्रेनिंग और गाइड हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उन लोगों को खुद ही नहीं मालूम कि अगरबत्ती चीज क्या है, अगरबत्ती कैसे बनाया जाता है। वो लोग सिर्फ मशीन सेल करने के लिए आपके सामने कुछ धोखाधड़ी का वीडियो बनाते हैं और आपको गलत रास्ते पे
ढकेल देते हैं। चामुंडेश्वरी मशीन एक अगरबत्ती का मशीन है, वो सबसे बदतर क्वालिटी का मशीन है, क्योंकि वो मशीन अगर आप ले लिए एक बार, उसका कोई पर्स खराब हो गया, उसका पर्स मार्केट में अच्छी तरह से अवेलेबल नहीं है, नहीं है अवेलेबल, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही और बहुत मीठी बात करते हैं, ये जो विद्युत चक्रवर्ती है बंगाल अगरबत्ती का या गणपति एंटरप्राइज कुछ का, बहुत मीठी मीठे से बात करता है, ठीक है, और वो मिचड़ी का छुरी है, मीठे से बात करके आपको हल्के से काट के आपको मशीन सेल कर देता है और दिखाता है, ये देखो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चलाना सिखा दिया है, और आप भी नाचते नाचते घर चले जाओगे। कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। परफ्यूम को जानिए, परफ्यूम का डिजाइन जानिए, स्ट्रक्चर जानिए। अगरबत्ती का काम एक तस्वीर की तरह होता है, आप एक तस्वीर बनाए, उसमें रंग लगाए, उसको बाइंडिंग किए, उसको फ्रेम पे सजाए, तब जाके वो सुंदर लगता है। वही काम सीखिए। और आप लोग जो मशीन बिठाने के बाद बोलते हैं ना, वो आपका एक सेंटीमेंट है, आपका एक वहम है, वहम है। जो भी हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ करिएगा। और ये जो मैंने चार्ट आपको दिखाया है, इसको गौर से पढ़िए। मैंने कुछ गलत बोला है, अगर मैंने गलत बोला है तो मेरे को फोन करिए, पूछिए, मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। और अगर आपको इसमें सच्चाई नजर आता है तो कभी भी अपने आप को बर्बाद करने के लिए उन जैसे लोगों के पास मशीन खरीदने के लिए मत जाइए। इस चार्ट को और एक बार पूरा देख लीजिए, पूरा स्क्रीन पे मैं दे देता हूं। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए फॉर्मुलेशंस के साथ, नए कुछ टेक्निक के साथ, नए कुछ बिजनेस आइडिया के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।